नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे NCERT कक्षा छठवीं की। हमारा अतीत के नाम फर्स्ट के नाम से जो अपनी बुक्स है उसे देख रहे हैं। हमारा अतीत फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें अभी तक हम लोग 8 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। 8वां चैप्टर आपका खुशहाल गांव और समृद्ध शहर था। इसमें बात करने वाले हैं व्यापारी और राजा और तीर्थयात्री, ठीक है। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। बाजार में घूमती जगनी जगनी अपने गांव के मेले में की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, सोख रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मजेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीजों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी हैं। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते हैं जहाँ ये बनाए जाते हैं, फिर उन्हें मेलों में बेचते हैं, ठीक है। बात करते हैं व्यापार और व्यापारियों के बारे में। जैसा कि आपने अध्याय 8 में पढ़ा है कि उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा होगा। एक खूबसूरत बर्तन और खास तौर से इनकी कटोरियां तथा थालियां इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिली हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ ये बनते थे, वहां सब व्यापारी ने ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले का खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से जाना जाता था। किसे? काली मिर्च को। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जिससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छे व्यापार चलता था। व्यापार से जुड़ी एक कविता व्यापार के प्रमाण में संगम कविताओं में भी मिलते हैं। नीचे लिखी गई कविता में पूर्वी समुद्र पर स्थित पुआर पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। कविता में उल्लिखित चीजों की एक सूची बनाना है। आपको क्या तुम बता सकते हो कि इन चीजों का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? ठीक है, देख लेना है। आगे बात करते हैं। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोजे। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल खाड़ी पर पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना प्रारंभ करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था, ठीक। समुद्री तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़ और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। संगम में कविताओं में मुबिंदार की चर्चा मिलती है। यह तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है मुखिया, जिसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर, पांडव, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते हैं। इन तीन मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे।
इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे, एक चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टिनम, दूसरा था आपका पांडवों का की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन भी अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा था गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। इसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी वलसिरी द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। और अन्य सभी सातवाहन शासकों के शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिम तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भी भेजी हैं। बात करते हैं रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7,000 साल पहले हुआ। कहाँ हुआ? चीन में सबसे पहले 7,000 साल पहले। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल घोड़ों या ऊँटों पर जो कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से वे ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग सिल्क रोड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया। कुछ शासक इसके बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा करते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे कुषाणों के। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोम साम्राज्य तक पहुंचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। उसने करीब 1900
साल पहले शासन किया, उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था जिसमें एकत्रित होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। याद रखना है, बुद्ध की जीवनी किसने लिखी है? बुद्ध चरित ने। ये किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के। ठीक, अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने संस्कृत में लिखना शुरू किया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी, पहले मूर्तियों में बौद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन था बौद्धिसत्व में आस्था को लेकर। बौद्धिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बौद्धिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। ठीक है, यह है आपका सांची के स्तूप पर एक मूर्ति चित्र, यहां इस वृक्ष हाउस के नीचे के खाली आसन को देख। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के संबंध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म के दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। यह आपका बाय में मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा और दाएं में तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा। ठीक है, आपकी तो थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इस क्षेत्र में कहीं अधिक प्रचलित था। यह है आपकी कारली की गुफा, महाराष्ट्र। तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा, व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर तक जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकलते थे। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इस तरह भारत की यात्रा प्राय चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफी प्रसिद्ध था। करीब 1600 साल पहले आया है स्वयं तेसांग, 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे लोग। इनमें से प्रत्येक तीर्थ यात्री ने अपना यात्रा का वर्णन लिखा है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों मठों को उन्होंने देखा और उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। फासियन चीन वापस कैसे लौटा? फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। थासियन ने भी अपने सामान को फेंक दिया पर अपनी उन पांडुलिपियों और बौद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें
उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया, समुद्र असीम है, सूर्य चांद या तारों का की गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रूप में ले जाने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज्यादा समय लगा। वहां वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। ठीक है, फैस्वेन तेसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौट आई। उसने सोने चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से ज्यादा पांडुलिपियां एकत्रित की थी। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लादकर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गईं जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। इस समय स्वयं तेसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन बाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल की कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। ठीक, भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ था। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवताएं शामिल थे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता की पिति सिद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या फिर नीचे जाति का। भक्ति मार्ग की चर्चाएं हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। यह आपकी वराह के रूप में विष्णु एरन मध्य प्रदेश के की यह शानदार मूर्ति विष्णु वराह के रूप में है। ठीक, पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यह पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। ठीक, भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवताओं की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिली, कलाकार और देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भक्त का हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता
अधिकांश भक्ति शायद हमें यही बताते हैं कि धन ऐश्वर्य या ऊंचे पद के लिए के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती है। करीब 1400 साल पहले से भक्त अखबार द्वारा तमिल में लिखी गई एक कविता का यह एक अंश है। अखबार एक बिल्लाल, नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नजर में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान। अगर एक लोग भी गंगा को अपनी जटायु में छिपा लेंगे, लेने वाले शिव के दास बन जाएं, तो मैं उनकी आराधना करूंगा क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान हैं। ठीक है, देवी देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। ये स्थान क्या कह रहे थे? मंदिर कहलाते थे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा की। हिंदू, हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपरा के लिए भी उपयुक्त होता था। याद रखिए, करीब 200 साल पहले पश्चिम एशिया में एक ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ऐसा ईसा मसीह ने स्वयं को एक संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है, बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखेंगे। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे जो दिल से पवित्र हैं क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप में फैल गई। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिम एशिया से आए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया में से आए थे। विविध के सबसे पुरानी ईसाइयों में से एक हैं। तो इस पाठ में हम लोगों ने उपयोगी शब्द देखे क्या क्या? व्यापारी, मोमेंदार, रास्ता या मार्ग, रेशम, कुषाण, महायान, बौद्धिसत, थेरवाद, तीर्थयात्री, भक्ति। ठीक है, ये आपके अभ्यास के लिए क्वेश्चन है, तो इन्हें भी देख लेना। ठीक है, ये था आपका 9वां चैप्टर। ठीक है, आगे बात करेंगे नए साम्राज्य और राज्य के बारे में। ठीक है।